पाठशाला की परेशानी तो आपने देख ली, लेकिन ये परेशानी केवल व्यवस्थाओं को लेकर नहीं है बल्कि उस व्यवहार को लेकर भी है जिसकी कल्पना हम आज के युग में तो नहीं कर सकते। धौलपुर में एक विद्यालय में बच्चों को स्कूल जाने से रोका जा रहा, और वो भी इसलिए क्योंकि वो गंदे। अब आप भी कहानी देख लीजिए और समझ लीजिए गंदा कौन है और गंदगी कहाँ है। गुरुकुल की परंपरा कहती है कि यहाँ आने वाला केवल छात्र होता है, उसका ना कोई मजहब होता है ना कोई जाति। फिर बात अगर प्राथमिक स्कूल की करें तो यहाँ तो मासूमों को दुनियादारी पता ही नहीं होती, लेकिन उनके साथ अगर भेदभाव का बर्ताव किया जाए तो गुनाह मासूमों का है या सोच का, ये कहने की जरूरत नहीं। तस्वीर धौलपुर जिले के सैपयू कस्बे की है, जहाँ रहने वाले गड़िया लोहार परिवार के बच्चों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भीमनगर में तैनात प्रधानाध्यापक ने स्कूल में आने से रोक दिया। बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं होने देने के पीछे प्रधानाध्यापक के पास क्या कारण था, ये खुद सुन लीजिए, वो भी परिजनों की जुबानी। हम पढ़ने गए थे तो यूँ कहते जाओ यहाँ से, धोते गंदे आते हैं, साफ नहीं है, जो कह रहे हैं हमने पढ़ा रहे बच्चे ज़्यादा हैं, जो कह उससे कलेक्टर से कह देना, जो कह मेरी 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 शिकायत कर देंगे, हम नहीं पढ़ा पाएंगे इनको, आप चाहे कलेक्टर से कह दो चाहे नरेंद्र मोदी से कह दो, अलग स्कूल खुलवाना चाहते करवा लो तुम्हारा, हम तुम्हारे बच्चे इनको नहीं पढ़ाएंगे, अब हमारे बच्चे भूखे प्यासे रोड पर डोलते बिड़ार देती है मास्टर ने। तो सुना आपने कि प्रधानाध्यापक जी को परहेज है इन बच्चों के गंदे रहने और गंदे कपड़े पहनकर आने से, जिसके चलते उन्होंने इन बच्चों को स्कूल में प्रवेश तक नहीं दिया, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई तक रुकवा दी। जब इस मामले में उनसे पक्ष जानना चाहा तो उनका कहना था कि शिक्षिका महोदया ने उन्हें आंगनबाड़ी में जाकर बैठने की सलाह दे दी और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर दिया है। ये थे सर कि मैंने प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल के लिए, मतलब दो हैं ये, जो छोटे छोटे बच्चे लाई थी तो मैंने इनसे कहा था कि आपके बच्चे छोटे हैं, इनके लिए सरकार ने आंगनवाड़ी खोल रखा है तो आप इन्हें आंगनवाड़ी में भेज दीजिए, और जो बच्चे इस स्कूल में लिखवाने लायक उनको यहाँ लिखवा दीजिए। एक सर स्कूल में अकेले की समस्या है मेरे लिए कि मैं स्कूल में अकेली हूँ, बच्चे ज़्यादा हैं तो ये परेशानी यहाँ आती है। आरोप गलत है, हाँ मेरे पर जो आरोप लगा है बिल्कुल गलत है, मैंने गंदे कपड़े की बात कही थी ऐसा मैंने नहीं कहा था। बातें समाज में शिक्षा के अधिकार की होती है, स्मार्ट सिटी की होती है और विकास की बुलेट ट्रेन भी दौड़ाई जा रही है, लेकिन जिन नन्हे पैरों को पाठशाला की सरहद लांघने से रोक दिया जा रहा है उनके सपनों का क्या, कौन सुनेगा इनकी समस्या। हो सकता है इनके कपड़े साफ हो जाएं, देर सवेर साफ रहने की आदत आ जाए, पर जिनकी सोच मैली हो चली है उनका क्या, वो तो बाधा बनते रहेंगे बच्चों के लिए समाज के लिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए धौलपुर से विनोद तिवारी की रिपोर्ट।